नमस्कार दोस्तों, तो आज हम इस सेल के दौरान फिर से एक स्पेशल स्मार्टफोन के डील के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्या ये स्मार्टफोन हमें लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, इधर हम ये चीज देखेंगे। फोन का नाम है टेक्नो कैमोन 20 प्रीमियर 5G। अभी आपको एक चीज लग सकता है, टेक्नो का स्मार्टफोन कितना बढ़िया होगा, शायद एवरेज होगा। ये चीज मैं बोलना चाहूंगा, फोन पिछले साल लॉन्च हुआ था 30,000 पे, अभी फोन आपको मिल रहा है 16,000 पे, मतलब ब्रांड ने ऑफिशियली प्राइस आधा कर दिया है। और अगर आपके पास SBI का कार्ड है तो इस स्मार्टफोन के ऊपर और भी 1300 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, मतलब ये फोन आपको लिटरली मिल सकता है 14,700 रुपए पे। और अगर हम इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, इसमें आपको मिलेगा 10 बिट एमोलेड डायमेंसिटी 8050, 50 मेगापिक्सल अच्छा खासा सेंसर, उसके साथ 108 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, जिसके साथ सेंसर शिफ्ट YS। इस प्राइस पॉइंट में आपको मिलेगा 512 GB स्टोरेज, ये सब फीचर हमें मिलेगा। तो इसलिए इस वीडियो में ये चीज एनालिसिस करेंगे कि क्या ये जो स्मार्टफोन 2024 पे लेना सही रहेगा या फिर नहीं, इस वीडियो में चीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिना कोई वक्त कवर आज का वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप गैजेट चैनल पर नए हैं और ऐसी टेक रिलेटेड वीडियो डेली देखना चाहते हैं तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जैसे इस जगह भी देख सकते हैं, फोन का नाम है टेक्नो कैमोन 20 प्रीमियर 5G। फोन आपको दो कलर पे मिलेगा, एक तो है ब्लू, दूसरा है डार्क। दोनों स्मार्टफोन का जो डिजाइन वो काफी बढ़िया है। वैसे इससे पहले मैंने टेक्नो कैमोन 20 वाला जो स्मार्टफोन है उसका मैंने रिव्यू किया था, उसका रियर कैमरा फैंटास्टिक है, मतलब एटलीस्ट पिछले साल के स्टैंडर्ड के हिसाब से 20,000 के नीचे सबसे बेस्ट कैमरा वही था। लेकिन अभी इसका जो प्रीमियर वाला एडिशन, ऑब्वियसली इसका प्राइस हो चुका है 15,000, तो मतलब आप समझ सकते कि इसका जो कैमरा वो प्राइस पॉइंट के हिसाब से कितना बढ़िया होने वाला है। तो पहले तो हम बात करें कि इसके डिस्प्ले के बारे में। इसमें आपको मिलेगा 6.67 इंच फुल HD प्लस 120Hz 10 बिट फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले, जिसके साथ मोस्ट प्रोबेबली HDR का सर्टिफिकेशन भी आपको मिलेगा। अभी अगर हम कंपटीशन को देखेंगे, ज्यादातर ब्रांड आपको फुल HD प्लस एमोलेड तो आपको देगा, लेकिन 10 बिट पैनल बहुत कम ब्रांड आपको प्रोवाइड करेगा। तो इसलिए उस हिसाब से इसका जो डिस्प्ले, मैं इसे डेफिनेटली द बेस्ट मैं रेटिंग देना चाहूंगा 14,700 रुपए पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके प्रोसेसर, इसमें आपको मिलेगा डायमेंसिटी 8050 प्रोसेसर। अभी अगर हम कंपटीशन को देखेंगे वो हमें क्या देगा, डायमेंसिटी 7300, डायमेंसिटी 7200, इस लेवल का मैक्सिमम प्रोसेसर हमें देखने को मिलेगा। या फिर अगर हम स्नैपड्रैगन के बारे में बात करें, स्नैपड्रैगन 695 इस लेवल का प्रोसेसर हमें मिलेगा। तो मतलब प्रोसेसर या फिर परफॉर्मेंस के हिसाब से भी ये जो स्मार्टफोन नंबर वन है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट, जो कि इसका कैमरा। इसमें आपको मिलेगा 108 और 2 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा, साथ में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी। इसका जो 50 मेगापिक्सल रियर कैमरा, अभी मुझे याद नहीं आ रहा कि ये कौन सा सेंसर है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली टेक्नो वालों ने सैमसंग के साथ कोलाबोरेशन में कोई एक सेंसर बनाया था, ये वही सेंसर है। उसके साथ जो 108 मेगापिक्सल सेकेंडरी सेंसर, वो एक्चुअली अल्ट्रा वाइड और मैक्रो सेंसर का मिक्सचर है, मतलब ये एक्चुअली इंडस्ट्री का पहला इस लेवल का सेंसर है। और उसके साथ 2 मेगापिक्सल का एक थर्ड सेंसर, फ्रंट में आपको मिलेगा 32 का सेल्फी। और इसका जो रियर कैमरा है, इसके साथ आपको मिलेगा सेंसर शिफ्ट YS, मतलब जो नॉर्मल वाला YS होता है उसका अपडेटेड वर्जन। तो अगर मैं मेरे ओपिनियन देता हूँ तो मैं बोलूंगा कि ये जो कैमरा अभी करेंटली 15,000 के नीचे के हिसाब से सबसे बेस्ट है, क्योंकि अगर हम कंपटीशन को देखेंगे वो हमें क्या देगा, 50 और 2 का डीआर, कोई हमें मैक्सिमम प्रोवाइड करेगा शायद 58 और 2 का डीआर 16 का सेल्फी। लेकिन इसमें आपको मिलेगा 32 मेगापिक्सल का सेल्फी और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का कैमरा हार्डवेयर। तो इसलिए कैमरे के मामले में मैं इसे द बेस्ट रेटिंग देना चाहूंगा। नेक्स्ट अगर वेरिएंट के बारे में बात करें, इस स्मार्टफोन में हमें क्या मिलेगा, 8 GB रैम, 512 GB स्टोरेज, LPDDR4X UFS 2.2 का कॉम्बिनेशन। अभी अगर हम कंपटीशन को देखेंगे, सेल के दौरान स्पेशली पोको और मोटोरो की तरफ से आपको मिलेगा 256 GB स्टोरेज, लेकिन अगर हम नॉर्मल टाइम के बारे में बात करें, हर एक ब्रांड आपको देगा 128 GB स्टोरेज, मतलब इस स्मार्टफोन में आपको कंपटीशन के मुकाबले 4 गुना ज्यादा स्टोरेज देखने को मिलेगा, मतलब इसका जो रैम और स्टोरेज का कॉम्बिनेशन डेफिनेटली द बेस्ट। बैटरी और चार्जर के बारे में बात करें, 5000mAh बैटरी, 45W का चार्जर, बहुत ही ज्यादा एवरेज क्वालिटी का। अपडेट साइकिल इसमें आपको मिलेगा एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स, जिसके साथ 1 साल का मेजर OS अपडेट, 2 साल का सिक्योरिटी अपडेट, जो कि मेरे ख्याल से बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है और भी ज्यादा होना चाहिए। तो मतलब देखिए 15,000 पे ये जो स्मार्टफोन अवेलेबल है, ये फोन एक्चुअली कौन से लोगों के लिए, देखिए अगर किसी को 15,000 के नीचे सबसे बेस्ट क्वालिटी का हार्डवेयर वाला स्मार्टफोन लेना है तो उन लोगों के लिए जो टेक्नो कैमोन 20 प्रीमियर सबसे बेस्ट चॉइस है। लेकिन जिन लोगों को टाइम टू टाइम सॉफ्टवेयर अपडेट या फिर लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट चाहिए, उन लोगों के लिए फोन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये स्मार्टफोन उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है जो लोग ज्यादा मूवी देखना, गेम खेलना और फोटोग्राफी करना पसंद करते हैं, उन लोगों के लिए ये जो स्मार्टफोन
15,000 के नीचे सबसे बेस्ट रहेगा। और जो लोग फोन के अंदर सबसे मैक्सिमम स्टोरेज चाहते उन लोगों के लिए भी ये जो स्मार्टफोन काफी बढ़िया चॉइस होने वाला है। तो भी आप मुझे कम जरूर बताने की ये जो स्मार्टफोन जो कि नॉर्मल टाइम में मतलब जब लॉन्च हुआ था तब जो प्राइस था 30,000, अभी जो हमें मिलेगा 15,000 के नीचे, तो क्या अब इस प्राइस पॉइंट में इसे लेना चाहेंगे या फिर दूसरा कोई डिवाइस आप चूज करना चाहेंगे? इसके बारे में मुझे क्वेश्चन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।